तो दोस्तों पोको F2 का एक नया फोटो लीक हुआ है जिसे कि मैं पता चल रहा है यहाँ पे आने वाला है पॉप ऑफ सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों कहा यह जा रहा है कि चाइना में रेडमी का एक फ्लैगशिप लॉन्च होने वाला है जो कि दोस्तों रेडमी प्रो 2 या फिर रेडमी X के नाम से लॉन्च होगा और वही सेम फोन ग्लोबली लॉन्च होने वाला है पोको F2 के नाम से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको F2 के बारे में, क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फोन में, क्या होने वाला है इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइस और कब ये फोन लॉन्च होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन की। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है इस बार ग्लास का बैग जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा और उसके साथ ही यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों पीछे के साइड में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलने वाला है, इस बार यहाँ पे आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और दोस्तों अगर बात करें इसकी फ्रंट साइड की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.4 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले जो कि एक फुल व्यू डिस्प्ले होने वाला है और यहाँ पे आपको कोई भी नॉच नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये एक AMOLED पैनल होने वाला है, उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है सेल्फी के लिए पॉप ऑफ सेल्फी कैमरा। और दोस्तों अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर जो कि दोस्तों 2019 का फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट जो कि MIUI 11 के साथ आएगा। और उसके साथ ही अगर बात करें इसके कैमरास की तो यहाँ पे आपको रियर साइड में मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा जिसका मेन सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल का और यहाँ पे आपको मिलने वाला है सोनी IMX586 का सेंसर। दोस्तों यही सेम सेंसर हमें Redmi Note 7 Pro और MI9 में भी देखने को मिला था। उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस। और अगर बात करें इसकी फ्रंट साइड की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का एक पॉप अप सेल्फी कैमरा जैसा कि दोस्तों हमें Vivo V15 Pro जैसे फोन में मिल चुका है। और वहीं पे अगर बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में तो दोस्तों कुछ दिनों पहले एक लीक आया था जिससे हमें पता चला था यहाँ पे आने वाला 3400 mAh का बैटरी, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको मिलने वाला 4000 mAh का बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ तो आने वाला है और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलने वाला है। और दोस्तों इस फोटो से तो ये कंफर्म हो जाता है यहाँ पे आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी मिलने वाला है। और दोस्तों अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो दोस्तों कुछ दिनों पहले एक लीक आया था जिससे हमें पता चला था पोको F2 का प्राइस 20,000 के अराउंड ही होने वाला है और Redmi का जो फ्लैगशिप आएगा उसका प्राइस यहाँ पे दोस्तों 25,000 के अराउंड होने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी जो नया लीक्स आया उसकी माने तो जो Redmi का फ्लैगशिप होने वाला है वही पोको F2 करके आने वाला है, तो दोस्तों इसका प्राइसिंग यहाँ पे 25,000 के आसपास हो सकता है। वहीं पे अगर बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट के बारे में तो दोस्तों ये फोन जून जुलाई महीने में लॉन्च होने वाला है चाइना में, उसके कुछ दिनों बाद ही ये फोन ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों यही था पोको F2 का स्पेसिफिकेशन, प्राइस और रिलीज डेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।